द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं है, ऐसी बात सुनी है कभी? तीन काल में कल में आया ये पूज्य गुरुदेव श्री के अलावा किसी की ताकत नहीं है बताने क्या कि द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं है, ऐसी बात करते हो साहब कल में? अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, ये तो समझ में आता है, लेकिन द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं है तो ये पर्याय के हवा में आ गई क्या? द्रव्य के परिणमन का ही नाम तो पर्याय है। तो फिर तो कहते हैं कि वो परिणमन रूप जो है उसमें जो वर्तमान की उसकी योग्यता है उसके कारण वो पर्याय आई है, द्रव्य ने वो पर्याय नहीं करी। तर्क क्या दिया कि द्रव्य तो अनादि अनंत शुद्ध है। क्या है द्रव्य? अरे जीव का जो त्रिकाल स्वभाव है वो शुद्ध है क्या? शुद्ध है, शुद्ध है, तो अशुद्ध पर्याय कैसे आए? ये तर्क था उनका, समझ में आया? अब अशुद्ध पर्याय आई है तो भैया शुद्ध द्रव्य में से अशुद्ध पर्याय कैसे आ गई? इसलिए वो द्रव्य भी उस पर्याय का कर्ता नहीं है, वो पर्याय अपने सत्कारक से पैदा हुई है। अब इतनी गहरी श्रद्धा अगर हमारी उदित हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और अभी तो मैं जड़ की क्रिया करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं सामग्री चढ़ाता हूँ, मैंने नियम ले रखे हैं, मैं कुएं का पानी पीता हूँ, मैं रात में ऐसी मान्यता से समय सार पड़ता है। इसलिए समय सार पढ़ते हुए भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, सो कहता है कि पता नहीं कहाँ कमी रह रही है। अरे तेरी कर्ता कर्म की कमी है, ख्याल में आया? कहाँ श्री गुरु कहाँ से समझाते हैं, तू कहाँ से समझता है? अरे भाई इतनी स्वतंत्रता का भाव भाषण होना चाहिए, तब तो जाके द्रव्य दृष्टि होगी, तब तो ये पर्याय दृष्टि टूटेगी। पर्याय दृष्टि कैसे छूटेगी? जब जीव को पर्याय की स्वतंत्रता भी दिखाई देगी, जब हमें ये भाव भाषण चलेगा कि अरे पर द्रव्य तो छोड़ो, संयोग तो छोड़ो, शरीर तो छोड़ो, ये जो अंदर मेरे चलने वाले परिणाम हैं ये भी मेरे से बिल्कुल भिन्न है, इनका भी मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ऐसी जब जीव की दृष्टि होगी तभी उसे द्रव्य की दृष्टि होगी, वरना द्रव्य की दृष्टि तीन काल में नहीं हो सकती।